जैसे कि कल मैंने बताया कि नारद मुनि के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के जैसे कि आप ऊपर दर्शन कर रहे हैं जगन्नाथ जी का स्वरूप अर्थात जगन्नाथ अर्थात पूरे विश्व के नाथ पूरे विश्व के स्वामी पूरे विश्व के मालिक भगवान ने जो पूरे विश्व का मालिक है पूरे जगत का स्वामी है उसने ये रूप लिया पतित पावन और अधम उदाहरण। याद रखना मेरी माताओं बहनों मित्रों संसार के सुख जो हम भोगते हैं वो आरंभ में तो सुख देते हैं लेकिन अंत में बहुत दुख देते हैं। लेकिन भगवान की सेवा का जो सुख है वो आरंभ में भी सुख है और अंत में महासुख है। जब मनुष्य यम की मार से बच जाता है यम की चोट से बच जाता है तो उसको उस समय कितना सुख का अनुभव होता होगा। आप जरा सोचो हम सब बचपन में एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं कभी हम टीचर की मार से बचते तो कैसा अनुभव होता था ना हम खुश हो जाते थे या पापा कभी मारते मारते हम बच जाते थे तो हम कहते अरे आज मैं बच गया। ऐसे अंत में यम मारते मारते हम यम की मार से बच जाएंगे जगन्नाथ की कृपा से। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जब हम कहते हैं जय जगन्नाथ मतलब जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। तो ऐसे हर्षो उल्लास के साथ रथ यात्रा की तैयारियां कर रहे थे भगवान जगन्नाथ। हर उस व्यक्ति को दर्शन देने मार्ग रोड रस्तों पे आते हैं। याद रखना जगन्नाथ जी उन लोगों के लिए रस्तों पे आ जाते हैं जो कभी मंदिर में दर्शन करने नहीं जाते। मेरी माताओं बहनों मित्रों संसार हमें रस्ते पे लाता है। क्या बोल रहा हूं बोलो संसार हमें रस्ते पे लेके आता है और जगन्नाथ रस्ते पे आकर हमें अपने घर पे ले जाते हैं। इसलिए ये रस्ते पे आते हैं ताकि रस्ते पे आए हुए लोगों को वो रास्ते पे ले आए। जय जगन्नाथ। क्या समझे रास्ते पे आए हुए लोगों को रास्ते पे ले गया। यह है जगन्नाथ इसलिए स्वयं रस्तों पे आते हैं। अब समझ आई जगन्नाथ क्यों रास्ते पे आते हैं ताकि हम बोलो बोलो हम रास्ते पे आ जाए। कैसा रास्ता सत्य का कैसा रास्ता आनंद का कैसा रास्ता उमंग का कैसा रास्ता प्रेम का कैसा रास्ता जो हमें जन्म मरण के बंधनों से छुड़वा देता हो कैसा रास्ता जो हमें यम की मार से छुड़वा देता हो उस रास्ते पे चलने के लिए जगन्नाथ खुद रास्तों पे आते हैं और हमें लेकर चले जाते हैं। जय जगन्नाथ। इसलिए रथ पे भगवान विराजमान हुए रथ यात्रा वाले दिन बलभद्र और सुभद्रा के रथों के साथ भगवान आज विराजमान है और रथ चल पड़े। ऐसे में एक बहुत पापी जीव जो बहुत पाप करने वाली व्यक्ति था बहनों माताओं मित्रों उस जमाने में जगन्नाथपुरी एक बहुत छोटा सा टाउन था छोटी जगह थी जहां एक दूसरे को एक दूसरे लोग पहचानते थे जानते थे एक दूसरे को।
ऐसे में एक बहुत पाप करने वाली व्यक्ति, बहुत पापी इंसान जगन्नाथ के लिए कुछ फल लेकर आया, कुछ फ्रूट लेकर आया। रथ पर भगवान विराजमान थे और ताकि उनको भोग अर्पण किया जाए उन फ्रूट का, उन फलों का। लेकिन पुजारी पहचानता था कि ये तो बहुत पापी, बहुत पाप किए, बहुत पाप करने वाला व्यक्ति। इसलिए पुजारी ने कहा, मैं ये तुम्हारे फल भगवान को अर्पण नहीं करने दूंगा क्योंकि तुम बहुत पापी व्यक्ति हो। ऐसा कहकर उस व्यक्ति को वहां से भगा दिया। व्यक्ति मन ही मन में बहुत दुखी हुआ कि प्रभु, एक आप ही का सहारा है और आपके यहां से भी धक्के। ये सोचकर वो दुखी होके समंदर के किनारे पे बैठ गया। आपको पता है जगन्नाथपुरी समंदर के किनारे पर, यहां पर रथ रुक गया जगन्नाथ जी का। जितने लोग रस्सियां को खींचे, रथ अपनी जगह से हिले ही नहीं। लोग जितना भी धक्का दे रथ को, रथ अपनी जगह से हिले नहीं। ऐसे करते 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 रात हो गई, लेकिन रथ अपनी जगह से हिला नहीं, बिल्कुल हिला नहीं। ये एक प्रकार का अनुभव मैंने भी किया है, कभी आपको बांटूंगा। वो रथ वहीं आके रुक गया, हिले नहीं, हिले नहीं, हिले नहीं। सबों को आश्चर्य हुआ कि हम इतने लोग रथ को खींच रहे हैं, रथ हिल नहीं रहा है। लोग इतना धक्का मार रहे हैं, रथ हिल नहीं रहा है। आखिर कारण क्या है? सब परेशान हो गए। ऐसे में रात को मुख्य पुजारी के सपने में भगवान आए और कहने लगे, पुजारी जी, जिस व्यक्ति को आज आपने धिक्कार कर यहां से भगा दिया है, ये कह के कि तुम बहुत पापी हो, जब तक उसके फल मुझे भोग नहीं लगेंगे, मैं यहां से हिलूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं पापी से पापी व्यक्ति को भी स्वीकार कर लेता हूं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। वो लोग मुख्य पुजारी आए और कहा, उनको ढूंढो जिसको आज भगा दिया गया था सुबह। वो व्यक्ति समंदर के किनारे बहुत दुखी होकर बैठ गया था। याद रखना मेरी माताओं बहनों मित्रों, जिसको कोई नहीं स्वीकार करता है, उसको मेरा हरि स्वीकार करता है। जिसको सब तिरस्कार कर देते हैं, जिसको सब धिक्कार दे देते हैं, ये सोचकर कि बहुत पतित है, ये सोच करके बहुत पापी है, ये सोच कर ये बहुत निकम्मा है, ये सोच के ये बहुत गिरा हुआ, लेकिन मेरा ठाकुर पतित पावन है, अधम उदाहरण है, सबको स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए वो लोग गए, वो व्यक्ति समंदर के किनारे वो फल लेके हाथ में बैठा हुआ था। पुजारियों ने कहा, भाई चलो, कहा कहा प्रभु, कहा जगन्नाथ तुम्हारे फल खाना चाहते हैं। और वो व्यक्ति दौड़ता दौड़ता गया और जाकर जब जगन्नाथ को वो फल अर्पण हुए, तब वो रथ चल पड़ा। ऐसे है जगन्नाथ दयालु और कृपालु। बहनों, माताओं, मित्रों, जो भगवान जगन्नाथ को प्रसाद अर्पण हुआ, वो अमृत बन जाता है। और वो अमृत भगवान अपने भक्तों में बांट देते हैं। उस प्रसाद जो आज आप सबों को मिलेगा, आज भगवान जगन्नाथ का खिचड़ी भोग आप सबों को मिलने वाला, आज सबों को वो खिचड़ी का प्रसाद मिलेगा। और जगन्नाथपुरी की खिचड़ी की बहुत महिमा है। आपको पता है ये खिचड़ी का भोग कब से लगा? ये कर्माबाई लगाती थी।
कौन लगाती थी? कर्माबाई लगाती थी। कर्माबाई भगवान की एक बहुत महान उच्च कोटि की भक्त हुई है। वो माता रोज सुबह उठती और जगन्नाथ जी को, भगवान जगन्नाथ मतलब बोलिए कृष्ण, जगन्नाथ मतलब कृष्ण। मैंने पहले ही कहा था ये कोई अवतार नहीं है, जैसे कच्छ मच विराहा परशुराम नरसिंह सब क्या हुए, ये तो भगवान का एक रूप है कृष्ण का, जगन्नाथ। श्री हरि का ये रूप है जगन्नाथ, एक्सपेंशन है कृष्ण का, विस्तार है कृष्ण का, जगन्नाथ। इसलिए आप जैसी बहनें, आप जैसी माताएं जो यहां उपस्थित हैं, उन्हीं में से एक कर्माबाई भगवान को रोज भोग लगाती, किसका? खिचड़ी का भोग लगाती। बड़ी प्रसिद्ध है जगन्नाथ की खिचड़ी। जगन्नाथ महाप्रसाद, जगन्नाथ का जगत पसारे हाथ, सब मांग के लेते हैं जगन्नाथ का प्रसाद, यहां तक के देवता भी, यहां तक के देवता भी जगन्नाथ का प्रसाद मांग कर लेते हैं। तो कर्माबाई रोज खिचड़ी भोग लगाती, और ये जो खिचड़ी का भोग है, एक दिन एक साधु आगे जो बड़े कर्मकांडी साधु थे, होते हैं ना कर्मकांडी साधु, ये करो तो ऐसा, वैसे करो तो वैसा, वैसे करो तो वैसा, ये अंगूठी पहन लो, ये नगीना पहन लो, ये हीरा पहन लो, ये धागा बांध लो, ये पानी पढ़ लो, होते हैं ना। हो सकता आप में से भी कई ऐसे लोगों के पास जाते हो, और हो सकता आप में से भी किसी को रखड़ी धागा इस समय भी बांधा हो। तो ऐसा ही एक साधु कर्माबाई के घर आ गया। आपको भी कहते होंगे इतने कोई व्रत रख लो, ये शनिवार रख दो, आत्मवार रख लो, सोमवार रख लो, मंगलवार रख लो, ये कर लो, ये मंत्र पढ़ो, वो मंत्र पढ़ो। आपको भी बोलते होंगे ये फल मिलेगा, ये ऐसा फल मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो कर्माबाई के पास वो एक साधु आया, तो कर्माबाई ने क्या किया, जल्दी जल्दी सुबह उठी और भगवान जगन्नाथ को क्या लगा दिया, खिचड़ी का भोग लगा दिया। साधु ने देखा, कहने लगा मैया तुम्हें पता है पहले तो नहाना चाहिए, स्नान करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, फिर जाके जगन्नाथ को भोग लगाना चाहिए, क्या करती हो, ऐसे कराया जाता है, ऐसे करता है कोई, ना नहाती हो ना ये करती हो, वो बहुत डांटा कर्माबाई। दूसरे दिन से कर्माबाई ने स्नान आदि किया, सब किया, ये किया, वो किया, और भोग लगाने लग गई। अब यहां जगन्नाथ इंतजार कर रहे कि अभी तक मुझे भोग नहीं लगा, अभी तक मुझे भोग नहीं लगा। अंत में जगन्नाथ आए और कर्माबाई से कहने लगे मां मुझे इतनी भूख लगी है और तूने अभी तक मुझे खाना ही नहीं खिलाया, आज तेरी खिचड़ी नहीं आई। बोला मुझे वो महात्मा ने कहा है नहाया करो पहले, ये क्या करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये क्या करो, इसलिए बेटा लेट हो जाती है थोड़ा में। भगवान वो साधु के सपने में गए और कहा तूने मुझे भूखा मरवा दिया, अब ये नहाती है, धोती है, ये करती है, वो करती है, और तब तक मैं भूखा रहूं। दूसरे दिन जगन्नाथ आए और कर्माबाई से कहने लगे जल्दी कर मां, क्या बोला,
जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, तो उसका नाम ही पड़ गया कर्मा। क्या पड़ गया? कर्मा। ये कर्मा ऐसे पड़ा नाम। कर्मा बाई की खिचड़ी बहुत प्रसिद्ध है। जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, ऐसे करते करते नाम ही पड़ गया कर्मा, 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 कर्मा। इसलिए सबसे पहले जगन्नाथ को क्या अर्पण होता है? खिचड़ी का भोग। और ये प्रसाद जो भगवान को अर्पण होता है और अनादि काल से होता है, ये खिचड़ी भोग तो अभी कर्मा बाई से आया, लेकिन भगवान को तो वास्तव में, क्योंकि जगन्नाथपुरी में भगवान भोजन पाते हैं। भगवान क्या करते हैं? द्वारका में राज्य करते हैं, रामेश्वरम में विश्राम करते हैं, बद्रीनाथ में तपस्या करते हैं, स्नान आदि करते हैं, ध्यान आदि आनंद में रहते हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी में भोजन खाते हैं। इसलिए आपको पता है कई टन प्रतिदिन कई सौ टन भोजन, कई टन भोजन अर्पण होता है जगन्नाथ को डेली जगन्नाथपुरी में। और वो प्रसाद इतना पवित्र होता है कि देवता भी उस प्रसाद के लिए हाथ फैलाते, पता है? जगत पसारे हाथ, जगत पसारे हाथ, उस प्रसाद के लिए देवता भी लालायित होते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कथा सुना रहा हूं, क्योंकि आज जगन्नाथ का प्रसाद हम सब खाएंगे, खिचड़ी भोग सब लेके जाना कृपया। एक दिन की बात है, चलिए हम बहुत पहले के युगों में चले जाते, क्योंकि इस युग में तो बहुत कोरोना कोरोना वायरस का डर लगता है ना। चलो हम पहले चले जाते हैं, पहले के युग में जहां कुछ नहीं था, जहां कोरोना नहीं था, मात्र करुणा थी, करुणा जगन्नाथ की, और आप पे हमेशा बनी रहे, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं भगवान से। निताय गौर, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बोलो बोलो, पुरी तक पहुंची आवाज, जय जगन्नाथ। वाह, किसी के तो सुनेगा। क्या बोला, क्या बोला? और इनमें से अगर किसी एक की भी सुन ली तो उसके सदके सबों का भला हो जाएगा। कैसे मैं समझाऊं? अब यहां तो कितने ढेरों सारे लोग बैठे हैं, बहुत विशाल लोग बैठे हुए, देख लो। जय जगन्नाथ। अब इसमें से किसी की तो सुनेगा निस्संदेह। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे देखो, वो देखो ये बैठा हुआ, किसी की तो सुनेगा। तो आपको एक बात समझाऊं मैं, जय जगन्नाथ बोलो, बहुत जोर जोर से बोलो, और जोर से बोलो, जय जगन्नाथ। तो मैं क्या बोल रहा था, किसी की तो सुनेगा भगवान, लेकिन एक की सुनेगा भला सबका होगा। मैं आप लोगों से पूछता हूं, ये फुटबॉल की टीम होती है उसमें कितने खिलाड़ी होते? 11 होते हैं ना। फुटबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? लेकिन क्या 11 के 11 गोल करते हैं? बोलो, गोल तो एक या दो लोग करते हैं, लेकिन एक या दो लोगों के गोल करने से जीतती पूरी टीम है ना। ऐसे भले सबकी सुने ना सुने, किसी एक की भी सुन ली, किसी दो की भी सुन ली, भला उसके सदके सबका हो जाएगा। जय जगन्नाथ। तो
भगवान के प्रसाद की महिमा चल रही थी। और आज क्योंकि हम सबों को भगवान जगन्नाथ का प्रसाद खिचड़ी का भोग मिलने वाला है, तो उसकी महिमा सुनिए सर। आज संयोग ही है कि कथा का विषय भी ऐसे चला और खिचड़ी का भोग भी सबों को मिलने वाला है, जगन्नाथ का प्रसाद सबको मिलने वाला है। चलो हम पहले चलते हैं जहां कोरोना नहीं बल्कि करुणा है, उसकी बात करते। पता है ये जो करोना वायरस फैला है जिससे पूरी दुनिया में महामारी, पूरी दुनिया, और अभी तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको इमरजेंसी, वर्ल्ड की इमरजेंसी घोषित कर दी है। ये फैला कैसे? जानवरों का मांस खाने से। प्रकृति भी है ना, अपना हिसाब ले लेती है कभी ना कभी। ये जानवरों का मांस खाने से फैला है और उस शहर से फैला है, वुहान शहर, जहां एक मार्केट है। वो मार्केट ऐसा है कि जहाँ 150 किस्म के जानवरों को काट के मांस बेचा जाता है, 150 किस्म, जिसमें कीड़े भी आ गए, मकोड़े भी आ गए, मेंढक भी आ गए, सांप भी आ गए, मगरमच्छ भी आ गई, घड़ियाल भी आ गई, खरगोश भी आ गए, मासूम जानवर भी आ गए, जहरीले जानवर सब, और ऐसा खून बिखरता रहता है, जानवर तड़पते रहते, जिंदे जिंदे कुत्ते को ऐसे गर्म गर्म तेल में डालता और उसे तड़प रहा होता है जानवर, और मुर्गियों को ऐसे काटते हैं, और फिर हम कहते हैं सेण आयो आ, चिकन फ्राई खराइंदा, दूध खराइंदा, सेण के सेण आया असंजे घर, मटन खराइंदा, हाने हाने वायरस भी खराइंदा, हैं सरदार मैंने आपका नमक खाया, बोला अब गोली भी खा। हाँ बेटा आएगा टाइम, भगवान आप लोग भी कभी ऐसा टाइम ना आने दे, कभी ऐसा समय आने ना दे, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। तो नारद मुनि ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते नारायण 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 करते 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 एक दिन माता लक्ष्मी के पास पहुंचते हैं और माता लक्ष्मी से कहते हैं, मैया अगर आप मुझ पे प्रसन्न है तो कोई वरदान दोगी? महालक्ष्मी ने कहा, हाँ नारद, मैं बहुत आपसे खुश हूं क्योंकि आप मेरे पति का, मेरे परमेश्वर का सदैव नाम जपते हो, नारायण 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 नारायण। चूंकि जो नारायण का नाम जपता है लक्ष्मी उससे विशेष कृपा करती है, इसलिए हाँ बेटा बोलो क्या वरदान दूं? बोला, मां और कुछ नहीं चाहिए, मुझे नारायण का जूठन चाहिए, अर्थात उनका भोजन जो शेष बच जाए जब वो खा ले तो वो महाप्रसाद चाहिए। लक्ष्मी थोड़ी चिंता में पड़ गई और कहा, बेटा यह तो बहुत मुश्किल काम बोलती है, क्योंकि नारायण प्रसाद किसी को अपना देते नहीं, वो स्वयं पा लेते हैं, लेकिन मैं प्रयास जरूर करूंगी क्योंकि मैंने आपको वरदान दे दिया है। जब नारायण के पास लक्ष्मी गई भोजन कराने के लिए और नारायण भोजन कर रहे थे, तब मां लक्ष्मी ने कहा, प्रभु एक प्रार्थना है। क्या? कहा, मैंने नारद को वरदान दे दिया है कि आपका प्रसाद जो शेष बचेगा वो मैं नारद को देना चाहती हूं। नारायण ने कहा, लक्ष्मी ऐसा मैं कभी करता तो नहीं हूं, लेकिन आपने कह दिया है, याद रखना मेरी माता बहनों मित्रों, पति और पत्नी का ऐसा संबंध होना चाहिए कि एक दूसरे के शब्दों का मान होना चाहिए, याद रखना। आप जिससे भी प्यार करो, सुनना मैं क्या कह रहा हूं, आप जिससे भी प्यार को उसका सम्मान भी करो,
आज हम कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन उसका सम्मान हम कभी नहीं करेंगे। जिससे भी प्यार करो उसका सम्मान करो। संसार का प्यार भी अजीब है, इजहार से आरंभ होता है, क्या बोला, और इल्जाम पे खत्म होता है। स्टार्ट होता है आई लव यू और खत्म होता है आई हेट यू। बस ये दो शब्दों के बीच सारी प्रेम कहानी है। आज मुझे प्रसाद पे बोलना है, इसलिए प्रसाद पे बोलो तो ही अच्छा है। इसलिए लक्ष्मी के शब्दों का सम्मान किया भगवान ने, याद रखना। पति पत्नी दाम्पत्य जीवन का अर्थ ही है कि एक दूसरे के शब्दों का हम सम्मान करें। वो शब्द व्यर्थ नहीं जाने चाहिए जो एक दूसरे के मुंह से निकले हो। खाली प्यार से काम नहीं चलेगा, क्या होनी चाहिए, रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। भगवान नारायण ने मां लक्ष्मी के शब्दों का मान किया और कहा, लक्ष्मी आपने कहा इसलिए वो शब्द मैं जरूर पालूंगा। और यूं माता लक्ष्मी ने नारद मुनि को क्या दिया, भगवान का प्रसाद, जो उन्होंने पा लिया था उसमें से थोड़ा प्रसाद दिया। नारद ने जैसे प्रसाद खाया आनंद से नाचने लग गए, नारायण 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 नारायण। थोड़े हाथ ऊंचे करो, क्या प्रॉब्लम है आप लोग, नारायण 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 नारायण, ऐसे ऐसे नारायण नारायण। हम वो बजा रहे हैं क्या, ऐसा लग रहा है मैं योगा शिवर कर रहा हूं कोई, ये उंगली योगा, कौन सा योगा, ये योगा सबसे फेमस है। हम सब एक दूसरे को, आप समझ जाओ, कुछ कहने की जरूरत नहीं। श्री राधे, हर एक की लेग पुलिंग करते हैं, हर एक की लेग पुलिंग करते हैं, हर एक की टांगे खींचते रहते हैं। ये बेस्ट योगा है आज के युग में। इसकी टांग खींच, उसकी टांग खींच, उसकी टांग खींच, उसकी टांग खींच, मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट योगा है आज, जो सब उस योगा की प्रैक्टिस करते हैं। तो नारद मुनि ऐसे नाचने लगे, ऐसे नाचने लगे, ऐसे नाचने लग गए। नाचते 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 उनको पता ही नहीं चला कब वो कैलाश पहुंच गए। जय बोले, सब बोले, भगवान शिव के पास चले गए कैलाश में, नाचते 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 नाचते। कैलाश पति भगवान शंकर ने जब देखा कि आज नारद मुनि बड़े मूड में दिखते हैं, और याद रखें जब इंसान खुश होता है तो उसके चेहरे से पता पड़ जाता है, क्योंकि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है, क्या बोला, खुशी जैसी खुराक नहीं है। आज हमारे साथ रोना ज्यादा है, सिसकियां ज्यादा है, उदासी ज्यादा है, डिप्रेशन ज्यादा है, लेकिन खुशी बहुत कम होती चली जाती है। आज हमारे जीवन में सब कुछ है लेकिन खुशी नाम की चीज बहुत कम रह गई है। आज मैं उस दिन पेपर में पढ़ रहा था, आज 18 बरस से लेकर 30 बरस के युवा ज्यादा डिप्रेशन में है, और अब तो छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में आते जा रहे। तो खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। अब नारद मुनि नाचते 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 उनको पता ही नहीं चला कहां पहुंच गए, कैलाश पहुंच गए भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर ने देखा आज ये नारद मुनि इतने मूड में क्यों है, बड़े नाच रहे हैं, और ऐसे नाचे जा रहे हैं, ऐसे नाचे जा रहे हैं, ध्यान ही नहीं। भगवान शिव ने कहा, अरे नारद क्या बात है, यू आर लुकिंग इन ए वेरी जॉली मूड। भगवान शंकर इंग्लिश भी बोल सकते हैं, भगवान तो कोई भी भाषा बोल सकते, वो सिंधी बोल सकते, मराठी बोल सकते, काई जाला कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो भगवान शंकर ने पूछा कि भाई क्या बात है नारद इतने मूड में हो। बोला, प्रभु
आज श्री हरि का मुझे बोलो प्रसाद मिला, श्री हरि का मुझे महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्रह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्य वितन राजन विश्व सुन विजायते। शास्त्रों का कहना है कि वो बदनसीब इंसान होगा जिसको भगवान के प्रसाद में कोई रुचि नहीं है, बड़ा बदनसीब। जिसके अल्प पुण्य होंगे, जिसके कम पुण्य होंगे, वही भगवान के प्रसाद में कोई रुचि नहीं लेगा। याद रखना, मनुष्य इंद्रियों के भोग भोगने के लिए दुनिया भर में भटकते हैं, लेकिन वो बड़े भाग्यशाली हैं जो सत्संग में आके हरि कथा सुनते हैं, बड़े भाग्यशाली। मैंने आज भगवान जगन्नाथ का मेरे नारायण मेरे हरि का मुझे भगवान शिव ने कहा बस अकेले अकेले मेरे लिए नहीं लाए। बोला प्रभु मुझे जितना मिला मैं तो सब खा गया। भगवान शिव ने कहा भाई ये अच्छी बात नहीं है, अकेले अकेले तुमने इतना महान प्रसाद जो हरि का मिला कुछ मेरे लिए नहीं बचाया। तब नारद ने देखा उंगली में एक थोड़ा सा चावल बच गया था, कहा प्रभु ये थोड़ा चावल मैं हाथ धोना भूल गया था। नारद मुनि नहीं बोले, मैं बोल रहा हूं, ये थोड़ा सा चावल बचा है। भगवान शिव ने कहा इतना ही सही, दे तो दो मुझे। इसलिए भगवान शिव ने वो चावल खाया और चावल खाते ही जय जगन्नाथ। ये वास्तविक सुख है। यहां जो हरि कथा में बैठे हो ना, ये आपके विवेक के बोझ को उतार रहा है, पाप के बोध को कम कर रहा है। और मेरी माताओं बहनों मित्रों, मेरे सहित, मैं कह रहा हूं मेरे सहित, हम में से कोई ये दावा नहीं करता कि जिंदगी में हमने कभी गलतियां नहीं की होगी। मैं अपने आप को भी इसमें ला रहा हूं, ये तो मेरा हरि जानता है किसने क्या कुछ किया है, लेकिन ये उसकी कृपा है कि अभी भी उसने हम सबों का पर्दा रखा हुआ है। ये उसकी बड़ी मेहरबानी है, उसकी बड़ी मेहरबानी। आज जो हम व्हाइट कॉलर करके घूमते हैं ना, ये उसने हमारा पर्दा अभी तक रखा हुआ है, ये उसकी मेहरबानी है। तो भगवान शिव भी नाचने लग गए, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। प्रसाद का इतना आनंद आया। अब मुझे तो आज डर है कि आप लोगों को प्रसाद मिले तो क्या होगा, इसलिए जैसा मिले भागते जाना घर। माँ भवानी, माँ पार्वती ने देखा मेरा पति आज नाच रहा है, जो समाधि से उठता नहीं आज क्या कर रहा है, नाच रहा है। मां भवानी ने पूछा हेडा व्हाट इज दिस, आज ऐसे नाच रहे हो, क्या बात है। क्योंकि कभी कभी हमारे घर वाले वो भी सवाल पूछ लेते जिसके हमारे पास कभी जवाब नहीं। कभी कभी हम लोग घर में हंसते हैं तो कहते छोपिया खेलो, अरे भाई अब इसका भी रीजन दूं क्या मैं, हेडा छोपिया खेलो। किसी जमाने में रोने का पूछते थे कि इतना रोते क्यों, आज तो हंसने का पूछ लेते हैं, क्योंकि इंसान इन दिनों कभी कभी हंसता है इसलिए पूछ लिया जाता है। और जो सदैव हंसे ने, समझ लो भगवान ने उसको एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है कि उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, बहुत बड़ा गिफ्ट है। खिलो 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 पेंजे खर्चे थे, इसलिए मां भवानी पूछा क्या बात है। बोले बाबा आज इतने नाच रहे हो कूद रहे हो। बोला आज मुझे जगन्नाथ का क्या मिला है, प्रसाद। मां भवानी रुट गई, बोला ये क्या,
अकेले अकेले खा रहे हो। और आपको पता है कि जब मां भवानी रूठ जाए तो भोले बाबा का भी मूड खराब हो गया। सोचो जरा, आदमी इतने अच्छे मूड में हो और उसकी मिसिस का मूड खराब हो जाए तो उसका मूड खुद ब खुद गया काम से। माताओं आपको धन्य है, धन्य है। अब तो मां भवानी रूठ गई और किसी से भी ना माने कि ऐसा महाप्रसाद आपने मुझे नहीं दिया, मैं वंचित रही थी। तब भगवान श्री हरि नारायण वैकुंठ से गरुड़ पे आए और मां भवानी से कहा, क्या बात है भवानी, भोले बाबा से क्यों झगड़ रही हो? बोला, प्रभु आपका प्रसाद मुझे मिला नहीं। तब भगवान श्री हरि ने कहा, भवानी चिंता मत करो, हे जगदम्बे, हे जगत जननी, चिंता मत करो, कलयुग में मेरा एक अद्भुत रूप आने वाला, कौन सा? जगन्नाथ का। और उस रूप में मुझे जो भी भोग प्रसाद अर्पण होगा वो मैं खाऊंगा और उसके बाद सबसे पहले तुम खाओगी और उसके बाद सबको मिलेगा। इसलिए आपको आश्चर्य होना चाहिए इस बात पे होगा कि आज जगन्नाथपुरी में जहां भगवान को कई टन चावल खिचड़ी, दाल चावल खिचड़ी, पता नहीं क्या क्या भोग लगता है, वो भोग लगने के बाद मंदिर परिसर में जगदम्बा का मंदिर है विमला देवी के नाम से, और जैसे ही जगन्नाथ को भोग लग जाता है सबसे पहले जगदम्बा विमला देवी को भोग लगता है और उसके बाद वो भोग भक्तों में बंटता है। ऐसा है जगन्नाथ का भोग। आज हम सबों को भी वो भोग मिलने वाला है। थोड़ा 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 सब महाप्रसाद लेके जाइएगा। जगन्नाथ ने हम सबों पे बड़ी कृपा की है और ये जो हम कह रहे हैं ना, जय जगन्नाथ, हमारे पाप ताप संताप सब समाप्त हो रहे हैं, पाप ताप संताप सब समाप्त हो रहे हैं। बहनों मित्रों, आज मनुष्य जीवन ऐसा जी रहा है कि उसे कभी कभी तो पता ही नहीं चल रहा है कि वो पाप कर रहा है या पुण्य कर रहा है। कभी कभी हम अच्छाई के नाम पे बुराई करने लगते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कर क्या रहे हैं। हमको तो लग रहा है ऑल इज वेल, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसलिए भगवान कृपा से हम सबों को हरि कथा का सौभाग्य मिल रहा है और जिस तरह से कि हम जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे हैं, आप सब दर्शन कर रहे हैं और कथा सुन रहे हैं और नाम का आश्रय ले रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। तो आइए आज इस उम्मीद पे सत्संग को विराम देते हैं कि कल हम फिर जैसे आज आए, कल विराम का दिन है, कल जगन्नाथ अर्थात कृष्ण की और लीलाओं का आनंद लेंगे और परसों तो आपको पता ही है। एक मिनट रुकिए ना, आप लोग कहाँ जा रहे हो? अभी तो भोग लग रहा है, सिर्फ दो मिनट में। हाँ, भोग आ रहा है, दो मिनट रुक जाओ सब, सिर्फ दो मिनट।